अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। जो अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च को एंड होता है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर अ प्रोप्राइटर हैज टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जब भी एंडिंग जो होता है फाइनेंशियल ईयर का, अकाउंटिंग ईयर का एंडिंग जब होता है, तब प्रोप्राइटर, कंपनी का जो भी प्रोप्राइटर होता है, वो 3 अकाउंट प्रिपेयर करता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। वो ये सारे अकाउंट कंपनी की जो भी फाइनेंशियल पोजिशन से उनको जानने के लिए ये अकाउंट बनाता है। मैं आपको चार्ट से शो करती हूँ अकाउंटिंग ईयर्स। अकाउंटिंग ईयर्स का जब एंडिंग होता है तब कौन कौन से प्रोप्राइटर बनाता है अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इससे कंपनी को जो भी कंपनी की साल भर में जो भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, डेब्टर्स हैं, क्रेडिटर हैं, कंपनी की कैश फ्लो कितनी है, कंपनी की कैपिटल कितनी है, कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी की को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये सारी चीजें नहीं अकाउंट से पता चलती है। कंपनी की लास्ट में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, इन सारे अकाउंट्स को जानने के बाद ये पता लगाया जा सकता है कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है। और ये सभी कंपनियों को ये तीनों अकाउंट्स बनाना कंपलसरी होता है और ये बनाया जाता है जिससे कि आपकी सारी कंपनी की जितनी भी फाइनेंशियल कंडीशन है आपको एंडिंग ईयर में पता चल सके। इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर वो ईयर जिसमें एंड में कंपनी अपने ये सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो उसको आप कमेंट सेशन में कमेंट्स करके जरूर पूछिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।